बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पैरेंट। बेसिकली आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ नंबर 1। ठीक है, तो अगर से प्रीवियस वीडियो की बात की तो उसके अंदर हमने बेसिकली जितने भी एग्जांपल थे उनको कवर किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील करने के बाद हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो अगर स्क्रीन पे देखा है तो हमारे पास सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है तो हम उसके स्टेटमेंट पर गौर करते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट में लिखा हुआ क्या है। तो अगर इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर गौर करिए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बेसिकली हमने क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ऑफ अट्रैक्शन इन आयरन न्यूक्लियर ब्रिंगिंग अ चार्ज। ठीक है, हमारे पास चार्ज क्या है, 26 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इफ अ डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 1×10^-12 मीटर। ठीक है, तो अगर एक बार फिर क्वेश्चन की तरफ फोकस किया तो क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बेसिकली हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, बिटवीन एन आयरन न्यूक्लियर एन इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा आयरन न्यूक्लियर है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान फोर्स फाइंड करनी है। दोनों के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस गिवन है वो कितना है, 1×10^-12 मीटर। ठीक है, हमने फोर्स फाइंड कर लिया। ठीक है, एक हमारे पास है 26 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरा एडविनो के इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6×10^-19 कूलम। ठीक है, अब फर्दर कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर गिवन डाटा में लिखा जाए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है, गिवन डाटा। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट चीज गिवन है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितनी बेसिकली 1.6×10^-19 कूलम होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज गिवन है वो क्या हमारे पास, चार्ज ऑफ आयरन न्यूक्लियाई टू बोलेंगे जो था बेसिकली 26 इलेक्ट्रॉन, ई की वैल्यू होती है 1.6×10^-19। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट चीज गिवन है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू कितना बेसिकली 1×10^-12 मीटर। बेसिकली हमने फाइंड कर रहे टू फाइंड, तो हमने क्या चीज फाइंड करनी है, हमने बेसिकली फाइंड करना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी एफ इज इक्वल टू फाइंड। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो कूलम फोर्स का फॉर्मूला लगेगा जो क्या होता है बेसिकली एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। एज यू नो के की कितनी वैल्यू है, 9×10^9। Q1 की कितनी वैल्यू है, 1.6×10^-19। Q2 कितनी आ रही है, 2.6×1.6×10^-19। और बेसिकली R कितनी वैल्यू थी, 1×10^-12 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कैलकुलेशन कर लेते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो जब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5.99×10^-3। ठीक है, तो फर्दर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूंगा। एज वी नो अगर बेसिकली आगे वैल्यू जो वो मतलब कि 5 से ग्रेटर तो हम पिछली वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, तो 10^-3 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1, बेसिकली चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, बेसिकली न्यूमेरिकल नंबर 1 के बाद मूव करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जो है न्यूमेरिकल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 किया है चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड ईयर का न्यूमेरिकल नंबर 1 को डील किया। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसके अलावा बेसिकली हम अपने चैनल में मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, सेकंड ईयर की फिजिक्स के अलावा बायोलॉजी केमिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं जिनको आप डायरेक्टली विजिट करके हम जो है वो देख सकते हैं। उसके अलावा जो मतलब के 5 ईयर पेपर होते हैं जैसे मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जिन सब्जेक्ट के, उनके पेपर हमारे चैनल में मौजूद हैं जिनको आप विजिट करके अपने जो है पेपर की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम जो है न्यूमेरिकल नंबर 2 को डील करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।